बीकानेर के स्वाद के दीवाने देश ही नहीं विदेश में भी हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की सेलिब्रिटी भी बीकानेरी स्वाद के दीवाने हैं। वे यहाँ की भुजिया, नमकीन, मिठाई और अचार, इसके अलावा सुपारी के भी बहुत बड़े फैन हैं। हालांकि यहाँ का देसी घी और अचार यहाँ के सेलिब्रिटी अपने साथ ले जाते हैं, वहीं वे कई बार डिमांड करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि वे उनको अचार और देसी घी भेजें। वे भी यहाँ से कई तरह के अचार और देसी घी भेजते हैं। यहाँ के हीरो हीरोइन वो भी खूब इसको पसंद करते हैं। यहाँ के न केवल भुजिया और पापड़ रसगुल्ला, यहाँ के अचार, जब कंगना रानौत यहाँ आई थी तो यहाँ पे खाना खाया था, तो मैंने थोड़ा वो मिर्ची का अचार उनको दिया था, तो इनको इतना स्वादिष्ट लगा कि मेरे को ये हरी मिर्ची का फेंक करके उसके बाद में उन्होंने कहा कि और काय का, तो मैंने लहसुन का जो अचार यहाँ जो बनता है, केर सांगरी का अचार, उसके बाद में पल्टी लूटी यहाँ से मंगाने लगी। न केवल उसके बाद में जो संजय दत्त साहब बीबी और गैंगस्टर 3 में आया था, तो यहाँ उन्होंने क्या कि दाल बाटी चूरमा कहीं खाया तो वो घी बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि ये देसी घी मेरे को चाहिए, तो देसी घी यहाँ पे यहाँ से ले जाना संभव नहीं था, तो उस देसी घी को एक कंटेनर में पैक करके रात को फ्रिज में रख के उसको जमा के उसके गया, तो प्लेन के अंदर लेके जाना संभव हुआ। उसके बाद में लगातार उनके टच में रहे, लेकिन अभी कोई कारण से और अभी टच में नहीं हो पाए। उसके बाद में भी ये मैंने सुना है कि जब अमिताभ बच्चन ने जब बीकाजी का एड किया तो भुजिया पापड़ रसगुल्ला जो भी उन्होंने किया नमकीन का, उस टाइम में उन्होंने थोड़ा बहुत चखा और चखा, आज उनके परिवार में ये डिमांड रहती है कि हम बीकानेर के क्या भुजिया और वो नमकीन, तो ज़्यादातर सेलिब्रिटी होते हैं और मिठाई और उनसे तेल ज़्यादा से परहेज करते हैं। लेकिन अभी भी जैसे संजय मिश्रा यहाँ आया था, तो संजय मिश्रा यहाँ जो दाल बाटी और ये केर सांगरी का अचार खाया था, ये 2 बार उनको भेजा था, लेकिन अभी वो थोड़ा कोई कारण से अभी दोबारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर जो एक बार यहाँ आके चले जाते हैं या फिर वो किसी दूसरे को वहाँ परोसते हैं, तो उसके बाद के कहाँ से आएगा बीकानेर, तो बीकानेर ने डाउट नहीं है कि यहाँ का जो नमकीन, भुजिया, पापड़, रसगुल्ला और इसके बाद में अचार, और यहाँ एक और खासियत है कि यहाँ का सुपारी बाजार है, तो यहाँ से सुपारी भी वहाँ भेजी जाती है, जबकि सुपारी यहाँ सुपारी कौन मंगाता है सर है? सुपारी कौन कौन सुपारी एक कंगना रानौत के एक है जो जानकार है, अभी वो एक सीरियल में आती है, तो उसने कहा था कि मैं वो सुपारी वहाँ बीकानेर की प्रसिद्ध है।